हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनेस्ट रिव्यू बाय अंजू सागवान पर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको सभी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के प्रोडक्ट्स रिव्यू देखने को मिलते हैं, वो भी जेन्युइन और ओनेस्ट। तो आइए देखते हैं कि आज किस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी आपके सामने दोस्तों जो मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ, यह मैंने एक बुक मंगाई है और बुक को यह बहुत पॉपुलर हो चुकी है। इस बुक का नाम है स्त्री मुक्ति की उड़ान, जो कि आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी गई है। और मैं आपको ये वीडियो में जो दिखा रही हूँ, यह बुक इसका नया संस्करण आया है, उक्तियों के साथ है यह, और राष्ट्रीय बेस्ट सेलर यह बन चुकी है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो कि इस बुक को राष्ट्रीय बेस्ट सेलर घोषित कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है दोस्तों। मैं इसकी बैक साइड से भी दिखा रही हूँ कि जो स्त्री मुक्ति की उड़ान है, इसमें इसका थोड़ा स्त्री एम्पावरमेंट का प्रचार किया गया है। और यहाँ पर इसके जो नीचे एक स्कैन कोड दिया है, यहाँ पर आप आचार्य प्रशांत को सहयोग राशि देकर भी सहयोग दे सकते हो। बाकी यह बुक जो है आचार्य प्रशांत की वेबसाइट से अगर आप मंगवाते हो तो आपको यह सिर्फ 129 रुपीज़ में मिल जाएगी, लेकिन मैंने यह मीशो से मंगवाई है तो मीशो से मुझे यह बुक 171 रुपीज़ में पड़ी है, मतलब 171 रुपये में यह बुक मेरे पास डिलीवर हुई है। दोस्तों बहुत अच्छी बुक है और आचार्य प्रशांत हमारी युवा जनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं तो उन्हें सहयोग राशि इस बुक के पीछे जो स्कैन कोड है उसको स्कैन करके दे सकते हो। दोस्तों बताना चाहूँगी कि यह बुक आचार्य प्रशांत या अन्य किसी ने भी स्पॉन्सर नहीं की है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे यह बुक मंगवाकर कैसा लगा और यह बुक आपको पढ़नी चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं आपको बुक को खोलकर दिखा रही हूँ कि इस बुक में क्या क्या दिया हुआ है। तो इस बुक में जो है मेनली जो टोटल इसमें 19 चैप्टर्स है, जिसके फर्स्ट उसमें दिया है कि गलत मूल्य के ऊपर 6 चैप्टर्स दिए हैं, स्त्री न दे न भावनाएँ, महिलाएं अपनी पढ़ाई और नौकरी देखे या घर गृहस्थी, ये किसने किया भारतीय महिलाओं के साथ, नारी देह है आपकी पर नारी नहीं है आप, महिला घर बैठी रहे तो बुरा क्या, गृहिणी होना बेहतर है या कामकाजी महिला। दूसरा इसका जो दिया है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, हिंसा और अपराध, इसके अंतर्गत भी 4 चैप्टर्स आचार्य प्रशांत जी ने लिखे हैं। और इसका थर्ड उसमें दिया है समाज में महिलाओं की कमजोर स्थिति, इसमें भी आचार्य प्रशांत ने 5 चैप्टर्स रखे हैं। लास्ट में चुनौतियाँ और समाधान में भी आचार्य प्रशांत ने 4 चैप्टर्स दिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है दोस्तों। अगर आप भी महिलाओं को आगे लेकर आना चाहते हो और वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हो तो आपको यह बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस बुक में आपको महिलाओं से जुड़ी समस्याएं और उनको हल करने का समाधान भी मिलेगा। मैंने तो यह बुक मंगवा ली है, बाकी अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आपको मेरा ये इस बुक का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब